यहाँ बापूधाम कॉलोनी में एक युवा स्तंभ नाम से एक संस्था है, एनजीओ है, जिसमें सारे यूथ हैं जो हमारे लड़के हैं वो काम करते हैं, और वो स्पेशली जो उन बच्चों के लिए काम कर रहे हैं जो छोटे छोटे बच्चे हैं और गरीब घरों के बच्चे हैं, उनको आइडेंटिफाई उन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है और उनकी जो एजुकेशन के मैटर्स में जो है उनकी हेल्प करते हैं टाइम टू टाइम। तो आज भी उन्होंने एक प्रोग्राम रखा था और उन्होंने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि जो बच्चे नीडी हैं, जिनके मम्मी पापा कोई काम नहीं कर पा रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से जो अभी आया था, तो उन्होंने उन बच्चों को आइडेंटिफाई करके आज यहाँ पे बुलाया था और करीब 40 बच्चों को जो है उन्होंने वो कॉपीज़ दी हैं और बुक्स दी हैं, कुछ एक को जो है उन्होंने पुरानी, बड़े बच्चों को बुक्स लेकर दी हैं, अपनी तरफ से ही वो सारा कर रहे हैं और स्टेशनरी जो है मुहैया करवाई है। तो इस कोरोना दौर में आपने क्या बताया बच्चों को, क्या मोटिवेट किया, कैसे किया? देखिए, हमने तो, हमारा तो दौर कोई भी हो, हमारा तो मोटिवेशन यही रहता बच्चों को कि आपका जो कंसर्न है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई तक रहना चाहिए, और क्योंकि अब बच्चे बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे, हमने कॉलोनी में ये भी देखा है कि इनके घर का जो माहौल है वो इनके किसी ना किसी फैमिली मेंबर की वजह से कई बार ख़राब होता है, क्योंकि घर में बड़ा भाई होता है, इनके फादर होते हैं, तो वो ड्रिंक वगैरह करके आ जाते हैं जिसकी वजह से बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, और बच्चों को ये भी नहीं पता कि इसकी कंप्लेंट करनी कहाँ पे है, क्योंकि वो करेंगे तो अपने पापा कहेंगे, हिस्ट्री करेंगे, उनको डर रहता है कि मेरे पापा अंदर चले जाएंगे, जेल में चले जाएंगे, तो फिर मुझे पापा डांटेंगे कि तुमने कंप्लेंट की थी। तो बच्चों के दिमाग से ये डर निकाला है आज हमने कि ऐसा हम कुछ भी नहीं करेंगे, आपके पापा की या मम्मी की या भाई की जो भी कंप्लेंट होंगे उनकी काउंसलिंग करेंगे, सिर्फ उनको बताएंगे कि आपका ऐसा करने से जो है वो घर का माहौल ख़राब होता, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। बेसिकली आपने ये बताया कि जो पुलिस है वो पुलिस आपके साथ है, ना कि खिलाफ है। बिल्कुल जी, पुलिस 24/7 जो है वो हर एक शहरी के साथ है और स्पेशली बच्चों के साथ, तो हम 24 घंटे सातों दिन उनके साथ हैं, उनको बताया है कि हम आपका फैमिली का मेंबर है, आप हमारा पारिवारिक सदस्य हो, तो हमसे डरने की जरूरत नहीं है, हमारे नज़दीक आइए, हमसे दोस्ती बढ़ाइए। हाँ बेटे, ये ना युवा स्तंभ जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये बच्चे छोटे छोटे थे तब से ये मेरे साथ काम कर रहे हैं, और मुझे ये देख के बड़ा अच्छा लगता है कि इन्होंने इतनी बड़ी, ये इतना बड़ा काम कर रहे हैं, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर दी है, और 40 बच्चे बापूधाम कॉलोनी के इन्होंने अडॉप्ट किए हैं, जिनके लिए ये शिक्षा का प्रबंध कर रहे हैं, इनको कॉपी किताबें और पढ़ाई का सामान जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बड़ी कंप्लेंट्स आ रही थी कि बच्चे जो ऑनलाइन क्लासेस है उसको वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इन बच्चों के पास मोबाइल ही नहीं है, और मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ SHO साहब के जिन्होंने 5 मोबाइल जो है इन बच्चों को दिए हैं, और इससे बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आएगी, और NCERT जो है जो नेक्स्ट जो प्रोग्राम शुरू कर रही है वो 1st to 8th तक जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन, उनकी स्टडी जो ऑनलाइन ही होगी, तो ये इनके बहुत काम आएगा। तो ये बहुत गर्व की बात है कि बच्चे छोटे छोटे जो खुद स्टूडेंट्स थे आज इन बच्चों की तो तकलीफ़ों को समझ के ये एक बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं।